इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेशुमो सवेशुदय श्री शंकराणाम स्वाहा। ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुतिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रघुदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागह प्रभु। आहरा भय भय सज सावधाना खंड स्फुट जीर्ण जिन चैतालु धारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातन दावरणाम श्री चतुर्मिशति तीर्थंकर देव पर कमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का गलस हाथ में ले लें और प्रारंभ किया जाएगा भगवान का अभिषेक, पंचामृत अभिषेक। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार पूरा पंचामृत अभिषेक आपको जम्बुदी भस्तापुर से देखने को प्राप्त हो रहा है। और जल का गलस हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जननी यही है ते लोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ गयी धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरघ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुनि वचन से सदृस हो। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ गयी धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरघ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नारद आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजकर्ण सहाय नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ गयी धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरघ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ गयी धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः हरघ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। दूध का गलस हाथ में ले पूर्णाशांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांग चित्र प्राप्त कर लूं। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ गयी
धवल मंगल कान दबाव कुले जिन ग्रह नात्मा हमें जे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः कि नृपामिति स्वाहा दही जैनेन्द्र कीति आए एकत्र दुई क्या चीरो दधि पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय नि सौख्य पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम मे मरम मम 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 सम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदग चंदन तनुल पुष्प कही चरसु दीप सुध उपफलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में जे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः कि नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर वस्तु मिलाई करके सर्वौषधि मिलिसार कषाय जल से संसार रोग हेतु करु नमन में। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह जिन्नात्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः कि नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य प्रमिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निजकेसु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशियाउसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः कि नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम रीम चंदना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम रीम पुष्प वृष्टि करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप हि पात्रार्पित हि प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विवर उतारयामि इति मंगल आरती औदनम। उदग चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह जिन्नात्मा है मजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदना लेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मल यागिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नियामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें, झारी हाथ में ले लें दोनों तरफ से। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपद्रव विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व ठाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राश्योज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती मीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टी एम यू मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदाद जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी बसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सी आर पाटिल सब देवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जय सिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मोती नई दिल्ली श्री राजकुमार प्रद्युम्न कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी परिवार से
न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरवार औरंगाबाद, श्री सुमेध जी काला नासी महाराष्ट्र निवासी सपरवार, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराबाद जी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुपचंद सुय जैन टिकेत नगर लखनऊ, श्री वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकेत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशो निशा आशीषा विनायका परवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद रवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़कर प्रसाह परवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अस्य जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महरा राम सरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पावत, श्री कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइना माई पुण्याचार्यवाद परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरवार, श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्याद ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वार्थ लाभार संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आशा अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन जैन अतीत जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणिक आदित्य सम्यक बक्षी परवाद दादर मुंबई, श्रीमती राधा जिनेन जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोजी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ लाभाद प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश जैन सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता सपरवार, श्रीमती प्रवीणा अजय जैन श्री अंशु सचिन हसता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ लाभाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरवार, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रीया श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आसू श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन श्रीमती मोनिका डॉक्टर सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन श्री अस्य आने अधियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाली लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर जैन अग्रवाल लाडू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेन्द्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अजित धनावत कटक मुंबई निवासी सपरवार, शांति भक्ति मंडल विधान सोलह दिवसी के पुण्याधिक परिवार श्री मुकेश जैन स्वास्थ्य लाभास रामकृष्ण हाउस हौस खास दिल्ली, श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुसागर लावण्या भव्या तक्ष चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि पड़ति अस्य प्रसिद्ध नाम का सौरभ सत्सा श्री कलकत्ता, श्री विनोद कुमार दिवसमी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महरा हरम सरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री चंद्रप्रभा प्रवीणचंद नेमचंद साह श्री विजय भूमिका साह नारायणपुर अहमदाबाद, श्रीमती इला अशोक दोषी श्री ऋषभ अंकित लाभेश दोषी परिवार गुलालबाड़ी मुंबई, श्रीमती अंतिमा मानव जैन आगम सिद्धांत जैन मधुबन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री विमलेश कुमार श्रीमती उषा जैन श्री नितिन मेघना आदित्य अनुष्का जैन मार्शंस परिवार आगरा, श्री संजय राजा सुरेश चंद संजीव सूर्यजीत सुनील विजय जैन रेहली सागर वाले मुंबई, श्री रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत श्री अंकित पूजा पुनीत सोनम धनावत श्री अक्षत वाची अंग धनावत परिवार कटक उड़ीसा, श्री महावीर प्रसाद पवन कुमार अभय चंपालाल गौरव चिराग अनमोल अनुदित अनिकेत जैन सुरासाही मालपुरा जिला टोंक राजस्थान निवासी सपरवार, आज एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्याधिक परिवार स्वर्गीय श्री त्रिलोकचंद जैन
श्रीमती उषा जैन, कविता, पीयूष कुमार, आद्या आराध्या जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री पीयूष आलोक कुमार जैन, समृद्धि अरिष्का जैन, सुख समृद्धि हेतु इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी परिवार से, उदयपुर कुंडलपुर यात्रा संघ से टेकचंद, जालमचंद, नंदलाल, जमनालाल, भवनलाल, अंबालाल, पूजालाल, लोसनलाल, लोसनलाल जैन सपरिवार से, श्री अरिंजय जैन के जन्मदिन पर श्री विकास जैन वरंगल आंध्र प्रदेश निवासी परिवार से, श्री रियांश जैन पुत्र मनोज कुमार जैन जलेसरेटा निवासी परिवार स्वास्थ्य लाभास परिवार से, श्रीमती सौ किरण कासलीवाल, श्री कैलाशचंद कासलीवाल अध्यक्ष चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर हड़को औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार से, श्रीमती श्रीमान राजकुमार सेठी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती हीरामणि देवी सेठी, श्रीमान बाबूलाल, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमान राजकुमार, श्रीमती किरण देवी, श्री प्रकाश, श्रीमती मेनका, श्री उमेश, श्रीमती पूजा, श्री अनित्य, प्रियंका, तरुण, पीयूष, कृतिका, गौतम, आरो आरोही समर सेठी परिवार सीकर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने वाले श्री आनंद प्रकाश, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से, श्री सुनील कुमार जैन सराफ, श्री राकेश जैन, मनोज जैन मेरठ निवासी परिवार से, पुष्पेंद्र जैन दिल्ली निवासी परिवार से, सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले औरंगाबाद से आई हुई सभी महिलाओं के लिए सपरिवार से, सर्व ज्ञान आवरण कर्म कर्म वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम भूकंप दुर्घटना भयम पिशाच बेंतर डाकी साकिन्यादि भयम हानि भयम व्यापार हानि भयम भयम चौर भयम दुष्ट भयम शत्रु भयम भयम सामुदायिक विद्वेषम सर्वभयम सर्व दुर्भिक्षा सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यान ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात भी वर्तमानकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम रीम श्रीम क्लीम वरमाध्यानवादे जम्बुदीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हस्तापुर तीर्थ क्षेत्र विसंबत 2548 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे दशमी एकादशी तिथौ एकादशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे दशमी तिथौ द्वितीया दशमी द्वितीया तिथौ रविवासरे आष्टानिक पर्व शुभ अवसरे सिद्ध चक्र महामंडल विधान शुभ अवसरे विधिमाना यम सांधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्कासरा सौकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश श्री शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षा कुरु कुरु मना समाधि कुरु कुरु शुक्ल ध्यान कुरु कुरु यसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अधिपतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मलम घाते घाते आयुष दुरागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय
जगत शांति कराए सर्वोपद्रो शांतिम गुरु गुरु धीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन्द्रियन पुष्पाया मस्तकोपरी शांति धाराम ग्रह चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद हेतु सपरिवारस्य और सभी हमारे दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभ हम गुरु गुरु बसत जबले शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम रीम एक स्वाहा फिर के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले समस्त पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम रीम जम्बुदी वस्तापुर में विराजमान एकत्र फुट के भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम रीम हसनापुर में विराजमान कमल मंदिर में कल्प वृक्ष के समान मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रजनीकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी सभी लोग मौन रखें सब लोग मौन मौन सबका मौन कोई बोलेगा नहीं। कोई भी मौन रखने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग बैठ जाएं। अब पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और सभी को बताना है सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाइए मौन रखिए सब लोगों की वार्ता बहुत ज्यादा हो चुकी है बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन जब लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम विश्व शांति कराय श्री शुभ देवाय नमः ओम रीम विश्व शांति कराय श्री शुभ देवाय नमः ओम रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शुभ देवाय नमः ओम रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः ओम रीम श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम रीम श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। बदातना हम और आप नंदी सर्वत की ओर चलेंगे। आज है दसवीं द्वितीय दसवीं जियादास जैन पंचांग के अनुसार दसवीं दो तिथि रही है तो आज भी जो है कल का ही मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम रीम त्रिलोकसार संज्ञाय नमः ओम रीम त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। पुनश्च नवनिधि व्रत का उच्चारण करेंगे। नवनिधि व्रत में चौथा व्रत है आज। ओम रीम अरहम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त ओम रीम अरहम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री कुंथुनाथाय नमः श्री कुंथुनाथाय नमः। पुनश्च नवग्रह शांति व्रत के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम रीम बुध ग्रहारिष्ट शांति कराय ओम रीम बुध ग्रहारिष्ट शांति कराय श्री मल्लिनाथाय नमः श्री मल्लिनाथाय नमः। ओम रीम चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः ओम रीम चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः।
ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश ने नमः। मध्यात्मा आज नंदीश्वर व्रत के दिन में पानी और भात देने का विधान है। पानी के साथ भात खाना, चावल, और फल है इसका 60 लाख उपवास। 60 लाख उपवास के फल है। यह है पर्व की महिमा। अब हम आपको ले चलेंगे जो रविवार को जल मंत्रित कराती हूँ मैं। जल मंत्रित करने का मंत्र मैं बोलती हूँ, आप लोग जल मंत्रित करेंगे और उस जल को अमृत मान करके, अमृत के समान उसका सब लोग एक एक चम्मच, दो दो चम्मच उसको पियेंगे, जल मंत्रित करेंगे। ओम ह्री वरम नमो आमो से पत्तानम, ओम ह्री वरम नमो खेलो से पत्तानम, ओम ह्री वरम नमो जदो से पत्तानम, ओम ह्री वरम नमो विपो से पत्तानम, ओम ह्री वरम नमो सबो से पत्तानम, इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा। ओम ह्री वरम नमो आमो से पत्तानम, ओम ह्री वरम नमो खेलो से पत्तानम, ओम ह्री वरम नमो जदो से पत्तानम, ओम ह्री वरम नमो विपो से पत्तानम, ओम रिवरम नमो सभो से पत्तानम, इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा। ओम रिवरम नमो आमो से पत्तानम, ओम रिवरम नमो खेलो से पत्तानम, ओम रिवरम नमो जलो से पत्तानम, ओम रिवरम सभो विश्व से पत्तानम, ओम रिवरम नमो सभो से पत्तानम, इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा। ये जल मंत्रित करने का मंत्र हुआ। अब आप सरसों मंत्रित करेंगे। सरसों मंत्रित करके चारों तरफ बिखेरेंगे। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। मध्यात्मा आज अभी आप विधान करेंगे भगवान महावीर स्वामी, जो कल्पवृक्ष स्वरूप भगवान महावीर स्वामी यहाँ हस्तापुर विराजमान, अतिशाही पूर्ण चमत्कारिक, और जिनकी महिमा जो आप यहाँ हसनापुर में जम्मू द्वीप स्थल पर जैन भूगोल को देख रहे हैं साकार रूप में, सुमेरु पर्वत, जम्मू द्वीप, 13 द्वीप रचना और 3 लोक की रचना, और इसके साथ विशाल भगवान 31 भगवान ऋषभदेव भगवान, शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ भगवान, उनके भी दर्शन करते हैं। ऐसे मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अभी आप मनोकामना सिद्धिकारक विधान करेंगे। इसके पूर्व मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। ये पर्व अनादि निधन जो पर्व हैं, इनकी महिमा की पानी के साथ भात खाकर भी, यानी एक आसन करके शुद्ध भोजन करके भी, एक बार भोजन करके भी 60 लाख उपवास का फल, ये है पर्व की महिमा, व्रतों की महिमा। मध्यात्माओं ऐसे ऐसे व्रत भी हैं जिनमें पल्ले के उपवास का फल मिल जाए, अर्थात पल्ले असंख्यात वर्ष पल्ले के उपवास का फल मिल जाए, ऐसे वृहत पल्ले व्रत है। ऐसे ही अनेकों प्रकार के व्रत हैं जिन व्रतों की महिमा आचार्य ने बताई है, और व्रतों का अनुष्ठान अनादि परंपरा से चला आ रहा है। जहाँ तक मैंने प्रथमानीय ग्रंथों के स्वाध्याय से पाया है, तो भगवान शिवदेव के पूर्वों में भी जो व्रतों के अनुष्ठान हुए हैं, जिन गुण संपत्ति श्रुत ज्ञान आदि व्रत के अनुष्ठान, और ये अनादि निधन जो व्रत हैं, नंदीश्वर अष्टानिक व्रत, 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत आदि, ये तो जो है विदेह क्षेत्र में भी 170 कर्म भूमियों में इनके अनुष्ठान किए जाते हैं। बात यही है कि बहुत सी अनादि निधन शाश्वत अकृत्रिम अनादि निधन परंपराएं हम और आप प्राप्त कर रहे हैं, ये एक पुण्य का ही विषय है। जैसे मैं कई बार कहती हूँ, महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि है, अनिधन है। चत्तारी मंगल पाठ अनादि है, अनिधन है, शाश्वत है। उसी प्रकार से हमारे 2 तीर्थ अनादि हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या जन्मभूमि और निर्वाण भूमि समय शिखर। ऐसे ही ये पर्व
और व्रत और तिथियां और महीने ये भी अनादि हैं, ध्यान रखें आप। इन पर्वों के इन तिथियों के अनुसार ही स्वर्ग में तिथि मनाई जाती है, ये विशेष बात है। विदेह क्षेत्र आदिकों में सर्वत्र 170 कर्म भूमियों में इन्हीं तिथियों के अनुसार ही नंदीश्वर व्रत, सोलह कारण व्रत आदि चलते हैं। तो भव्यात्मा, अनादि शाश्वत ऐसे पर्व और तिथि और महीने आदि जिनमें अनुष्ठान किए गए व्रत तप लाखों लाखों उपवासों को तो फलते ही हैं, न जाने कितना पुण्य फल प्रदान करते हैं, अतिशाही पुण्य फल प्रदान करते हैं, जिनका फल परंपरा से आत्मा की शुद्धि, सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। ये परंपरा फल और जब भी हमने पाया है, जहाँ तक प्रथमानियों के स्वाध्याय में भगवान नेमिनाथ के पूर्वभाव में जो तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान हुए, उन्होंने अपने पूर्वभाव में अनेकों प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान किया है। आज भी व्रतों के अनुष्ठान की परंपरा आचार्य श्री शांति सार जी महाराज ने अपने मुनि जीवन में, अपने साधु जीवन में बहुत उपवास और व्रत किए हैं। शिव ने श्रीड़ित व्रत आदि अनेकों व्रतों के अनुष्ठान करके अपने मानव जीवन को धन्य और पवित्र और पावन किया है। ऐसे इन व्रतों को भी हम और आप ना कर सकें तो कम से कम उनकी भावना भाते रहें, और जो करते हैं उनकी अनुमोदना करते रहें, और ये भावना भाते रहें कि भगवान ऐसे ऐसे व्रतों के अनुष्ठान का अवसर हमें भी प्राप्त हो। इसी भावना के साथ इस पवित्र पावन दिवस पर, पवित्र पावन हस्तापुर तीर्थ क्षेत्र से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भाव से आप आकर के और विधान के अनुष्ठान को करेंगे, यही सबके लिए प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। देवलोक कल्प वृक्ष महावीर भगवान की, अतिशयकारी कमल जिनाले की जय। अब प्रारंभ करते हैं मनोकामना सिद्धि विधान। उधर से स्थापना कीजिए। आप सब पारस चैनल के माध्यम से जो भक्तगण अपने अपने घरों में बैठे हैं, अनुमोदना करते हुए भगवान महावीर के श्री चरणों में अपनी दृष्टि रखें और उनकी कृपा दृष्टि को अपने ऊपर बरसती हुई अनुभव करें। इसी के साथ प्रारंभ हो रहा है मनोकामना सिद्धि विधान। दर्शन से जिनके कटते हैं पाप, पूजन से मिटते हैं सब संताप, मूर्ति सुहानी है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। आज इस मंडल पर स्थापित करूं नाथ तुमको, अपने मन मंदिर में स्थापित करूं नाथ तुमको। तुम भगवन अति पावन, महिमा निराली है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। स्थापना करना है सुनील कुमार जी सराफ, मनोज जैन, हाँ, और मदन जी। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर नंदत्र अवतर अवतर संभोषणावाननम। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर नंदत्र तेष्ठ तेष्ठ ठाठा। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर नंदत्र मम सन्नीतो भव वसत सन्धि गणम स्थापनम। क्षीर सिंधु नीर को मैं भरूं भ्रंग में, तीन धारा करूं पवीर पद पद्म में, वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। अश्मीर की सुगंधि युक्त केसर लिया, जिसके नाथ के चरण में उसे चर्चिया, वीर महावीर वर्धमान की
अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदा संसार का विनाश नाय चंदनंद रूपामीति स्वाहा। बासमती के दुले तंदुलो को लिया श्री जिनेन्द्र के निकट पुंज को चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदाय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। भांति भांति के गुलाब पुष्प मैंने चुन लिया पुष्प माल को बनाए प्रभु के पद चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदाय काम बानुदस्नाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। शुद्ध नैवेद्य को बनाए थाल भर लिया स्वस्थता की प्राप्ति है तू प्रभु समीप धर दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदा चुदारुग्नाथाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वर्ण थाली में जले रत्न दीप जगमगे आरती उतारते मोह का तिमिर भगे। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदाय मोहन कर्म नाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। रूप कर पूर में कृत जला अग्नि में नाथ चाहूं जलाना आज कर्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदाय अष्ट कर्म देना है धूपम निर्वपामिति स्वाहा। सेव अंगूर अमरूद वर थाल में पाद पद्म में चढ़ाए नाऊ निज बाल में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदाय मोक्ष प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल फलाधिक अष्ट द्रव्य को सजाए के चंदनामती अनर्घ पद मिले चढ़ाए के। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम री मनोकामना सिद्धि कारक श्री महावीर निंदाय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांति दादी पर पुष्पांजलि मंडल पर पुष्पांजलि कीजिए और सब लोग अर्घ चढ़ाएंगे भगवान के गुणों के 108 के प्रतीक में। यहाँ पर कुल 18 अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं तो आप सब लोग उन अर्घ्यों के साथ अनुमोदना करते हुए भगवान महावीर से जो चाहे सो इच्छित फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपके 1 महीने से 2 महीने के अंदर आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। तो पुष्पांजलि कीजिए। अति श्री मनोकामना सिद्धि विधान मंडल से परि पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम रीम दर्शन शुद्धादि प्रवचन वत्सलत्व पर्यंत षोडश कारण भावना बलेन तीर्थंकर पद प्राप्त कल्पवृक्ष श्री महावीर नेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम मातु ऐरावत हस्तिप्रति निर्धुम अग्नि पर्यंत षोडश प्रदर्श का कल्पवृक्ष श्री महावीर नेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम स्वेदहितादि प्रियहित मधुर वचन पर्यंत दर्शन महातिशय सहिताय कल्पवृक्ष श्री महावीर नेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम कवीति शतचतुष्टय सुभिक्षता प्रति दिव्य ध्वनि पर्यंत एकादश केवल ज्ञानातिशय सहिताय कल्पवृक्ष श्री महावीर नेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम सर्व ऋतु फल पुष्पादि चरण कमल तल शरण कमल रचना पर्यंत त्रयोदश देवकृत अतिशय सहिताय कल्प वृक्ष श्री महावीर नेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम अशोक वृक्षादि चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्ट प्रात्याहार सहिताय कल्प वृक्ष महावीर नेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय सहिताय कल्प वृक्ष महावीर नेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम क्षुधात्र साधि अष्टादश दोष सहिताय कल्प वृक्ष श्री महावीर अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम रीम वीर वर्धमान सन्मति महावीर अति वीर पंचनाम प्राप्त कल्पवृक्ष श्री महावीर
राजेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा ओम रे महायोगी स्वर्गुण सहिता कल्पवृक्षसि महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा ओम रे द्रव्य सिद्ध गुण सहिता कल्पवृक्षसि महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा ओम रे अदेय गुण सहिता कल्पवृक्षसि महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा ओम रे पुनर्भव गुण सहिता कल्पवृक्षसि महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा ओम रे ज्ञान चित गुण सहिता कल्पवृक्षसि महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा ओम रे जीव घन गुण सहिता कल्पवृक्षसि महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा ओम रे स्वात्मा उपलब्धि रूप सिद्ध नाम सहिता कल्पवृक्षसि महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा ओम रे लोकाग्र गामुख गुण सहिता कल्पवृक्षसि महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा गुण आग लीजिएगा गुण अनंत प्रभु आपके कैसे वरणो नाथ पूर्ण अर्घ चढ़ाए के मैं भी बनू सनात ओम रेम सताष्ट गुण समन्विताय मनोवांचित फल प्रदाय कल्प वृक्ष श्री महावीर जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा शांत शांतारादि पर पुष्पांजलि ओम रे मनोवांचित फल प्रदा कल्पवृक्ष महाविष्णेन्द्राय नमः स्वाहा ओम रे मनोवांचित फल प्रदा कल्पवृक्ष श्री महाविष्णेन्द्राय नमः स्वाहा ओम रे मनोवांचित फल प्रदा कल्पवृक्ष श्री महाविष्णेन्द्राय नमः स्वाहा जय माला जय जय तीर्थंकर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाताओ जय जय जिनवर हे नाथ वीर तुम तो शिव मार्ग विधाताओ जय जय सन्मति अति वीर प्रभु तुम सम्यक बुद्धि प्रदाता हो जय जय हे वर्धमान भगवन तुम आत्म शक्ति के दाता हो महावीर से दस भव पूर्व से पर्याय में संबोधन पाया हिरण व्रत धारण कर क्रम क्रम से देव मनुज का भव पाया उत्थान किया निज जीवन का तो जग का भी उत्थान हुआ जिसने तुमसे शिक्षा पाई उसका ही जन्म महान हुआ कुंडलपुर नंदावर्त महल में चैत्र शुक्ल तेरस तिथि को राजा सिद्धार्थ की रानी सुशीला ने जन्मा एक सुत को वह ही संसार प्रसिद्ध हुआ 24वां तीर्थंकर बनकर नहीं उनके बाद हुआ कोई इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर इसलिए इन्हें अंतिम तीर्थंकर कहा गया इस भारत में लेकिन आगे भी जन्मेंगे 24 तीर्थंकर भूतल पे महावीर शीश सैनिक उनमें से प्रथम जिनेश्वर पद लेंगे जो नगरी अयोध्या में तीर्थंकर महापद्म बन जन्मेंगे महावीर के पाचो कल्याणक से जो जो धरा पवित्र हुई वे आज बनी गौरवशाली सुरगण मुनि गण से वंदे हुई है गर्भ जन्म तप कल्याणक से पावन कुंडलपुर नगरी उस निकट जम्बिका ग्राम में रिजकुला नदी तट है ज्ञान थली राजा ग्रही का विपुला चल पर्वत प्रथम देश नाये स्थल पावापुरी का जल मंदिर प्रभु के मोक्ष गमन से पावन है कुंडलपुर राज ग्रह पावापुर जिनवर तीर्थ त्रिवेणी है इसमें स्नान करें जो भी वे आते मोक्ष की श्रेणी में इस नव विधान में सर्वप्रथम 16 कारण के अर्घ लिया जिनको भाकर प्रभु महावीर ने
शंकर पद प्राप्त किया। जिन 16 सपनों के फल में माने तीर्थंकर सुत पाया, उनका वर्णन भी है इसमें फिर 34 अतिशय दर्शाया। अठ प्रातिहार अनंत चतुर्थ गुण है जो प्रभु ने पाया, फिर 218 नासक प्रभु को अर्घ चढ़ा मन हर्षाया। 12 गण के 12 अर्घ्यों में सिद्ध शिला तक पहुँच गए, इन 7 वलय में 108 गुणों के अर्घ समर्प दिए। गुणमाला प्रभु के चरणों में अर्पण कर निज गुण प्राप्त करूं, महावीर प्रभु के चरणों में वंदन कर सुख साम्राज्य वरूं। अति वीर वीर सन्मति भगवन मुझको सद्बुद्धि प्रदान करो, भक्ति में रत निज भक्तों को संसार जलधि से पार करो। हो मनोकामना पूर्ण मेरी रत्नत्रय मेरा सुदृढ़ बने, जब तक शिव पद की प्राप्ति न हो साम्यक भी मेरा सुदृढ़ बने। पूर्णार्घ समर्पण करो प्रभु भोजन की इस जय माला में, चंदनामती भव भव में मुझको जिनवर भक्ति मिला करे। ओम रीम अशोत्तर सत गुण समन्विताय मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर नंदाय जय माला पूर्णार्घम मार्गम निर्वपामि स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। जो भव्य मनोकामना सिद्धि महावीर विधान करे रुचि से, प्रभु जी के 108 गुणों में रमण करे तन मन सुचि से। वे लौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करे, चंदनामती जिन वर भक्ति का फल शिव पद भी प्राप्त करे। आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। जब लोग कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय, जम्बू द्वीप अतिशय क्षेत्र की जय। महानुभाव क्या आप जानते हैं कि भगवान महावीर ने जिस महल में जन्म लिया वह नंदावर्त महल कितने मंजिल का ऊंचा था? 7 मंजिल का। अर्थात 7 मंजिल के ऊंचे महल के अंदर कुंडलपुर के अंदर भगवान महावीर ने आज से 2620 वर्ष पूर्व जन्म लिया। आज वह महल नहीं दिखता, लेकिन उसकी प्रतिकृति के रूप में भगवान महावीर के 2600वें जन्म कल्याण के अवसर पर पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से कुंडलपुर की पावन धरती पर उस महल का निर्माण हुआ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुंडलपुर के नंदावर्त महल को देखा है? सबने देखा है, क्योंकि शाश्वत तीर्थ समेत शिखर के दर्शन करने जाते हैं तो आप वहाँ कुंडलपुर भी जाते हैं, राजग्रही पावापुर के भी दर्शन करते हैं। और उस कुंडलपुर में वह महल दिखाया गया जिसके अंदर सोने का पलंग पड़ा है, राजा सिद्धार्थ का सिंहासन है और सारा पूरा इतिहास भगवान महावीर का दर्शाया गया। ऐसा ही एक इतिहास शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर अब 81 मंजिल का जो सर्वतोभद्र महल भगवान ऋषभ देव ने जिसमें जन्म लिया था, 81 मंजिल नहीं तो 81 मंजिल का दिखने वाला वह महल तो जरूर जरूर वहां निर्मित जो हो रहा है उसका इतिहास आप लोग देखने वाले हैं। भगवान महावीर जिनका जन्म स्थान कुंडलपुर है वे कभी हस्तिना अयोध्या के उसी सर्वतोभद्र महल में भी जन्मे थे। कैसे जन्मे थे? भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन करके मरीचि कुमार के रूप में वहां के महल में अयोध्या के महल में जन्मे थे और उसके बाद थोड़ा अहंकार मानवश वे दिग्भ्रमित हो गए और बहुत करोड़ों करोड़ों वर्षों तक संसार में परिभ्रमण करने के बाद चतुर्थ काल के अंत में महावीर बनकर के जन्मे और तब उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ। और इतना ध्यान देना, ये महल कौन बनाता है?
जब तीर्थंकर भगवंतों के जन्म होने का निश्चित होता है तब इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर उन उन नगरियों में जा करके अपने देव शिल्पियों को लेकर के और महल की रचना करते हैं। ऐसा सबसे पहला महल सर्वतोभद्र महल अयोध्या में बना था और तब इंद्र ने आकर पहले मंदिर बनाए थे, बीचों बीच में मंदिर, पुनः अयोध्या में चारों दिशाओं में मंदिर बनाए थे और फिर सर्वतोभद्र महल बनाया। वहां महाराजा नाभी राय मरु देवी को वहां प्रवेश कराया, उसमें भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ और ऐसा सुंदर महल मांगी तुंगी के ऋषभ देव पुरम में साकार भी हो गया है। आप लोग वहां से आए हैं, 5-6 दिन से रविंद्र कीर्ति स्वामी जी मांगी तुंगी में थे और वहां से जब महल को ज्ञानमती माता जी ने दिखाया, देखा, बहुत प्रसन्न हुई और कहने लग गई कि अब मैं मांगी तुंगी तो क्या जा पाऊंगी, लेकिन हो सकता है अयोध्या जा करके और उस महल का दर्शन हो जाए। तो भगवान ऋषभ देव, हाँ वो तो सब बताएंगे आपको स्वामी जी, सारा प्लान फाइनल हो गया है। और अयोध्या नगरी जो शाश्वत नगरी है, इंद्र की प्रतिकृति के रूप में आप सब लोग ही इंद्र बन करके उस अयोध्या को डेवलप करेंगे, अयोध्या का विकास करेंगे। आज धरती पर इंद्र आते हुए नहीं दिखते, लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ कि ज्ञानमती माता जी जिस प्लान को लेती हैं भगवंतों की जन्मभूमि के प्लान को, तो वहां पर परोक्ष रूप में जरूर इंद्र देव देवी आकर के उसको पूरा कर देते हैं और उसमें निमित्त बन जाते हैं स्वामी जी और पूरे देश की दिगंबर जैन समाज उसमें निमित्त बनती है। जब अपने द्रव्य को लगा करके आप सब उस, देखो आपको महल दिखा अभी सर्वतोभद्र महल, ये ऋषभदेवपुरम जो मांगी तुंगी में पहुंचते ही आपको गेट पर फाटक जो बना हुआ है उससे बिल्कुल पास में ऋषभदेवपुरम है, वहां पर ये सर्वतोभद्र महल बना है। ऐसा महल अयोध्या की धरती पर भी बनने जा रहा है और वे सौभाग्यशाली होते हैं जो ऐसी शाश्वत नगरियों में अपने द्रव्य को समर्पित करके शाश्वत पुण्य का अर्जन करते हैं। तो आप सब अयोध्या और कुंडलपुर ये प्रथम और अंतिम जन्मभूमियों का स्मरण करके भगवान ऋषभ देव से लेके महावीर तक भगवंतों का स्मरण करें। 14 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती है तो आप कुंडलपुर जरूर जाएं। 2 साल से तो कोरोना था, कोई जा नहीं पाते थे, लेकिन इस साल अब कोरोना नहीं है। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर जो नालंदा जिले में है, बिहार में है, वहां जा करके भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का अतिशय चमत्कार भाव कुछ और ही होता है। अभी वहां के मंत्री विजय कुमार जी कुंडलपुर ही गए हुए हैं क्योंकि बिहार की सरकार कुंडलपुर का महोत्सव करती है और वही 14 अप्रैल को होने वाला है। तो आप सबके लिए ये उत्सव महोत्सव कल्याणकारी हो और सबके पुण्य के वर्धन में सहकारी बने, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दिन में 3 बजे से शांति भक्ति का विधान होता है, उसमें भी सम्मिलित हो, सिद्ध चक्रमंडल विधान हो रहा है, आपको निश्चित रूप से हम उसकी झलकियां भी कल तक जरूर जरूर